हेलो क्लास, आज का टॉपिक है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के बारे में सबको पता है ना। तो ये जो मैं है इसको बहुत डिटेल से डिस्क्राइब नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि ये सबको पता है इसके बारे में। तो बेसिकली ई शॉपिंग क्या होता है, बहुत सिंपल वर्ड में इसका आंसर देना। बाइंग और सेलिंग द आइटम्स और गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई शॉपिंग, है ना। कोई कॉम्प्लिकेशन का जरूरत नहीं, आप जितने सिंपल वर्ड्स में आप इसका डेफिनेशन लिख सको, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, परचेस करते हैं या सेल करते हैं यूजिंग द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई शॉपिंग, है ना। तो ये क्या होगा, ई शॉपिंग में बेसिकली क्या क्या होता है, आप क्या करते हो, तीन प्रोसेस में काम करते हैं ना, तीन स्टेप है एक्चुअली इसके। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी परचेस्ड, आप जिस आइटम को क्या करना चाहते हो, परचेस करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द आइटम। एंड देन व्हाट, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, जैसे ही आप उसको क्या करो, सिलेक्ट करो, फिर क्या करते हो आप, यू पुट योर एड्रेस ना, कि डिलीवरी कहाँ करनी है या कहाँ पे आना चाहिए। सो यू पुट योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर और एक्सेट्रा, है ना, जो चीज़ चाहिए रहता है। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट, मेक द पेमेंट फॉर द ऑर्डर। अब क्या करते हो, जैसे आप अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा लेते हो, अब क्या करोगे, फिर उसके बाद पेमेंट करते हो, ठीक है। और पेमेंट प्रोसेस मैं बता ही दी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। सेम प्रोसेस ना आपका मोबाइल पेमेंट के लिए भी है, बस क्या करोगे, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट में क्या करते थे, जैसे शॉप वगैरह में हम लोग क्या करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं ना, ऑनलाइन पेमेंट में क्या करते हैं, हम लोग QR जो कोड है ना उसको स्कैन करते हैं, ओके। तो ये क्या है, आपका पेमेंट ऐसे हो जाता है। ये इसका स्टेप आपको पता है, ये ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी कि कैसे करना है। कोई भी साइट आप ओपन कर सकते हो, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारे साइट, शॉपिंग साइट्स है, आई थिंक मेरे से ज़्यादा आप लोग यूज़ करते होगे इसको, है ना। तो ये आपका जो स्टेप है, बुक में कुछ कुछ दिया है, ठीक है, मैं इसको बस एक सिंपली रिव्यू करा देती हूँ, ओके डियर। ये आप लोग क्या करते हो, जनरली अभी सबको यूज़ करते ही हो, ठीक है। फिर क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक, ई टिकटिंग। ई टिकटिंग के बारे में भी पता है, जैसे मूवी वगैरह जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं ना। जैसे फर्स्ट शो जाना रहता है ना, फर्स्ट डे फर्स्ट तो बोलते हैं, तो जैसे ये जाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली ना जाके ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं ना, ताकि जल्दी हम लोग को टिकट मिल जाए, है ना। तो ई टिकटिंग मीन्स क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ई टिकट्स अवेलेबल विदाउट एनी नीड फॉर प्रिंटेड टिकट। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हमको ई टिकट मिलता है, बट द डिफरेंस इज़ वॉट, कि आपको कोई प्रिंटेड कॉपी या हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, है ना। तो ये ई टिकट है, ठीक, ऑनलाइन ही आपको मिलते हैं, ये मैनुअल टिकट के जैसे ही है ना। ये भी आप लोग यूज़ करते हो, कब कब हमको ई टिकट का ज़रूरत पड़ता है, सबसे पहले तो आप वॉचिंग मूवीज़, है ना, जैसे आप मूवी वगैरह देखने जाओ तब इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। वॉचिंग थिएटर प्लेज, ट्रैवलिंग बाई एयर, वॉचिंग मैचेज इवेंट, है ना, अटेंडिंग इवेंट्स लाइक लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैवलिंग बाई ट्रेन, ठीक है। तो ई टिकट्स प्रोवाइड्स दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़, ओके। एक और चीज़ इसमें, जैसे आप ई टिकट बुक करना चाहते हो कि तो आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस टू द इंटरनेट, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए विद गुड स्पीड। एंड सेकंड इज़ व्हाट, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड और अ बैंक नेट बैंकिंग फैसिलिटी और वी कैन से, है ना। तो ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो, आइए समझ में। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सभी आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। ये आपको पता है, इसका प्रोसेस भी पता है, ये ऑलमोस्ट जैसे आप ऑनलाइन क्या करते हो, बुक करते हो ना, रिजर्वेशन वगैरह कराते हो या फिर ऑनलाइन कुछ शॉपिंग साइट में कुछ परचेस करते हो, तो ये उसी के जैसे ही है। बस क्या करोगे आप, यहाँ पे जो बुक शो मतलब कुछ शो को क्या करना है, मूवी वगैरह है उसको टिकट बुक करना है, तो क्या करोगे आप, जो साइट रहेगी उसको ओपन करोगे, जैसे बुक माई शो डॉट कॉम है ना। तो जैसे ये साइट मैं ओपन करी, बुक माई शो डॉट कॉम, फिर क्या करूँगी, इसमें जाऊँगी, फिर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा या लिस्ट मिलेगा कि आपको क्या देखना है, मूवी देखना है, मैच देखना है कि और कुछ करना है। तो आप उसके हिसाब से जो जो प्रोसेस बोलते रहेगा, बस उसको आप क्या करोगे, सेलेक्ट करते जाओगे। आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि आपको डे में देखना है मैच कि नाइट में देखना है, सीट पूछेगा, है ना, जैसे बालकनी वगैरह होता है तो कौन सी उसमें चाहिए, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ें हैं जिसको आप एक बार पढ़ोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, है ना।
एडवांटेजेस हैं ये टिकट बुकिंग के, क्या है सेफ है ना, धक्का मुक्की खाने का ज़रूरत नहीं है, बेसिकली इजीली अवेलेबल है, अवेलेबल एनी वेयर इवन, है ना, इवन फास्ट इज ऑल, है ना, तो ये सभी आपको पता है। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कराऊंगी।